राधे राधे, स्वागत है आप सब लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी दोपहर का बज रहा है 2:30 और अभी जस्ट अभी मैं और चौहान साहब जो है रेडी होकर भैया रख दीजिए मैं और चौहान साहब जस्ट अभी रेडी होकर नहा कर जोगेश्वरी मिसल पाव जो कि पुणे का बहुत ही खाने का फेमस ब्रांड है और बहुत ही जाना माना नाम है। तो फिलहाल हम लोग खाने आए हैं यहाँ पे मिसल पाव और यहाँ का मिसल पाव हमारा फेवरेट है। हम जब यहाँ पे रहते थे हर संडे हफ्ते में एक बार हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आते थे मिसल पाव का। तो फिलहाल यहीं का जो महाराष्ट्र का टेस्ट है मिसल पाव वही मैं यूपी लेकर गई हूँ अपने कानपुर में मिसल पाव। तो फिलहाल बहुत दिनों के बाद हमारा पुणे आना हुआ तो हमने सोचा क्यों ना भाई चलते हैं यहाँ की सारी चीज़ों को जो है बारी बारी खाते हैं और उनका मज़ा लेते हैं। तो फिलहाल आज जो है हम लोग पुणे आने के बाद आज पुणे के बाद हमारा तीसरा दिन है पुणे में और हम आज यहाँ पे आए हैं मिसल पाव खाने के लिए। तो फिलहाल चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि पुणे का मिसल पाव कैसा होता है। फिलहाल जैसा भी होता है ना ऑसम होता है। मैं तो फिलहाल यहाँ पे मिसल पाव की फैन। फिलहाल चलिए आपको दिखाती हूँ अपनी मिसल पाव थाली। तो आप देख सकते हो ये है मिसल पाव थाली। तो फिलहाल ये है जोगेश्वरी मिसल। तो यहाँ पे जो ये जोगेश्वरी मिसल है ना ये यहाँ की फ्रेंचाइजी है और काफ़ी बड़ा ब्रांड है यहाँ का। तो फिलहाल इनका मिसल पाव जो है ना ऑसम होता है। तो महाराष्ट्र में मिसल पाव थाली कैसी होती है मैं पूरी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मिसल पाव थाली में ये है पाव जो कि एक थाली में दो पाव दिए हैं। दूसरा ये है मिसल पाव की ग्रेवी। तो इसमें ये अंकुरित मूँग की ग्रेवी होती है। इसमें इन्होंने डाली है नमकीन, यानी ये नमकीन इसमें फरसान यानी जो बेसन की नमकीन होती है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डाली है बेसन की भुजिया। फिर बेसन की भुजिया है, प्याज है और हरा धनिया है और अंकुरित मूंग की ग्रेवी है। और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है सैलड में नींबू दिया हुआ है। मिसल पाव की तो जो जान है जो मेन है वो तो है नींबू। तो नींबू जो हम जब भी हमें ग्रेवी खाते हैं ना तो सबसे पहले हम इसमें हमें नींबू निचोड़ना होता है हल्का सा खट्टा करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो चौहान साहब इसमें जो है ना नींबू डाल रहे हैं और नींबू अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है कि हमें कितना खट्टा खाना है। तो बस नींबू और हाँ यहाँ पे प्याज नहीं दिया है। मिसल पाव की थाली में प्याज भी मस्ट होता है। प्याज खाने से एक अलग ही टेस्ट आता है पर यहाँ पे प्याज नहीं दिया है। अभी मैं इनसे प्याज मांग लूँगी क्योंकि मुझे मिसल पाव के साथ प्याज बहुत पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अंकुरित मूँग। तो ये अंकुरित मूँग जो है ना इस मूँग को हमें इस ग्रेवी में, ये ग्रेवी होती है प्याज टमाटर और हरी सब्जियों की, तो इसमें मिक्स करनी होती है। चाहे तो आप मिक्स करके खा सकते हो नहीं तो आप अलग से भी खा सकते हो। तो ये अंकुरित मूंग है और ये साथ में दिया है दही और ये है पाव। तो इसको देखो चौहान साहब इस तरह से खा रहे हैं। इन्होंने जो है मिसल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्याज भुजिया सब कुछ मिक्स हो गया है और इन्होंने इसमें अंकुरित मूंग मिक्स नहीं किया है, ये अलग से खा रहे हैं। और यहाँ पे सैलेड है और ये पाव है। तो फिलहाल इन्होंने मिसल पाव का जो मज़ा लेना शुरू कर दिया है और हमें साथ में यहाँ पे एक जग भर के मिली है मिसल पाव की ग्रेवी। तो ग्रेवी आप यहाँ पे अनलिमिटेड ले सकते हो, कितनी भी ले सकते हो। और यही ग्रेवी ना सारा कमाल इस ग्रेवी का है, बहुत ही ऑसम और टेस्टी। फिलहाल यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ लेकिन मेरे मुँह में पानी आ रहा है, कितनी जल्दी मैं ब्लॉग को जो है स्टॉप करूँ और खाने में जुट जाऊँ। तो फिलहाल ये ग्रेवी है। अब आपको बताती हूँ कि मैं भी कानपुर में मैंने भी अपने गजब बड़ा पाव में मिसल पाव थाली रखी हुई है जो कि यहाँ के रेट वहाँ के रेट मैंने सेम रखे हैं। तो मैं भी जो है थाली में एक पाव देती हूँ और उसके साथ मैं देती हूँ प्याज खीरा और नींबू का सैलड देती हूँ। और जो ये ग्रेवी आई है ना तो इन्होंने अंकुरित मूँग कटोरी में अलग से दिया हुआ है कि आपको ग्रेवी में मिक्स करना है तो मिक्स कीजिए, नहीं मिक्स करना है तो अलग से खाइए। तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रेवी में अंकुरित मूँग पहले से ही मिक्स कर देती हूँ, प्याज और ये जो भुजिया वगैरह है ये भी मिक्स करके ही देती हूँ। तो बस और हाँ और दही मैं नहीं रखती हूँ। दही के साथ मैं एक स्वीट देती हूँ खाने में मीठा, क्योंकि हमारी थाली स्पेशल भी रहती है और एक कॉमन थाली भी रहती है। जैसे कि हम खा रहे हैं आप देख सकते हो ग्रेवी मिली है तो चौहान साहब ग्रेवी को इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। तो हमारा भी कानपुर में इसी तरह से हमारी मिसल पाव थाली है। तो फिलहाल चलिए अब यहाँ पर जो है फटाफट हमारा ये जो मिसल पाव की थाली है ना ठंडी हो रही है। मैं कानपुर से यहाँ पर आई हूँ मिसल पाव खाने के लिए। तो फिलहाल चलिए फटाफट खाने में जुट जाते हैं और बाकी की बातें आपसे करती हूँ बाद में।
यहाँ पे वीडियो बनाता देख जो जोगेश्वरी मिसल पाव के जो रियल ओनर थे, यहाँ पे रियल ओनर आ गए और फिर उन्होंने बोला कि मैं आपकी जो ये मिसल पाव थाली है बिल्कुल सही तरीके से रेडी करता हूँ, जैसे महाराष्ट्रियन स्टाइल में रेडी की जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने मिसल की ग्रेवी में जो है सबसे पहले दही मिक्स किया एक कटोरी, और उसमें फिर अंकुरित मूंग मिक्स की, और उसके बाद इसमें नमकीन यानी फरसान मिक्स की और थोड़ी सी ग्रेवी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और चौहान साहब को बोला कि अब आप खाकर देखिए, आपको मिसल खाकर मजा आ जाएगा। और वाकई में जब चौहान साहब ने उसके बाद मिसल चखाना तो वाकई में बहुत टेस्टी, बहुत औसम था। तो इसी तरीके से सुमित की और मेरी दोनों थाली उन्होंने रेडी की। और मुझे आकर यहाँ पे ये अच्छा लगा कि जो महाराष्ट्र का ये जोगेश्वरी मिसल पाव है बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस फ्रेंचाइजी है। तो ये पूरे महाराष्ट्र में 250 ब्रांचेस हैं जोगेश्वरी मिसल पाव की, और इसके ओनर जो है वो स्पेशली आकर मुझसे मिले, मेरी थाली रेडी की। मेरी थाली जो है जोगेश्वरी मिसल पाव के ओनर ने ही रेडी की थी, और बहुत ही औसम लगा था। और उनके अंदर जरा सा भी ईगो नहीं, जरा सा भी घमंड ने इतने बड़े फ्रेंचाइजी का ओनर खुद मुझसे आके मिला, मेरे लिए थाली बनाई, मेरे से खड़े होकर बातें की, बिल्कुल भी घमंड नहीं, बहुत ही अच्छे नेचर के थे। तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से मिसल खाया और उसके बाद फिर जो है बिल पे किया और फिर हम लोग यहाँ से निकले घर के लिए। तो ये है जोगेश्वरी मिसल पाव एंड मिस भेल। तो ये महाराष्ट्र का फेमस मिसल पाव है, फेमस यहाँ की फ्रेंचाइजी है और फेमस मिसल पाव का समझिए फेमस ब्रांड है। तो गाइस, तो फाइनली हम लोग जो है जोगेश्वरी मिसल पाव से मिसल खा के निकल चुके हैं, और बहुत ही ऑसम और बहुत ही टेस्टी, मतलब मन नहीं भरता है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्यूसडे को यहाँ से जाने वाली हूँ। तो जाने से पहले अभी मैं डेली एक एक बार यहाँ पे मिसल खाने के लिए आऊँ। तो फिलहाल मिसल पाव भी खाया और यहाँ के जो ओनर है उनसे भी मिले, उनसे भी बात हुई, मतलब ऑसम, जितनी तारीफ करें ना उतना कम है। महाराष्ट्रियन का जो ये जोगेश्वरी मिसल पाव है ना, गजब है, गजब 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 बिल्कुल। तो बस अब यहाँ से खा के जो मिसल पाव खाया उसके बाद यहाँ की बढ़िया ऑसम वाली गर्मा गर्म चाय पी, चाय भी यहाँ की बहुत टेस्टी है। तो फिलहाल चाय पी, उसके बाद हम लोग जो है अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि घर पर सुमित का चल रहा है टूर्नामेंट सोसाइटी में मैच क्रिकेट, तो वहाँ से कॉल पे कॉल लगी हुई है। तो फिलहाल जो चलते हैं और देखते हैं, हाँ जो टूर्नामेंट चल रहा है चौहान साहब का, उसमें चौहान साहब जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, तो इस बार यहाँ से कोई ट्रॉफी लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो फिलहाल चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा दिखाऊंगी आपको कि टूर्नामेंट का क्या कैसा रहा, चौहान साहब जीते या नहीं जीते। तो फिलहाल चौहान साहब बहुत जल्दबाजी में है क्योंकि वहाँ से कॉल पे कॉल आती है, इस बार जीतोगे या नहीं जीतोगे, क्यों नहीं जीतोगे, फिर क्या वहाँ खेल ले टाइम पास करने के लिए। मैं तो क्या पहले मालूम होता है कि जीतेगा नहीं जीतेगा। अरे अच्छे से खेलो, बढ़िया यहाँ से एक ट्रॉफी लेके जाओ ना, तब तो मजा आएगी, बढ़िया एक ट्रॉफी मिलेगी। तो ना बैटिंग चल रही है, हाँ। ना बॉलिंग मिल रही है। अरे पता है तुम्हारी प्रैक्टिस छूट चुकी है पूरी, वही तो बात है ना, बस तुम तुम एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हो। देख रहे लखन भैया ना ट्रॉफी मारेंगे, बढ़िया मार ली ट्रॉफी, मार ली, अरे वाह, अरे वो एक्सपर्ट है, लखन भैया जीतेंगे, धनंजय भैया जीतेंगे। लखन भैया तो लखन भैया के नाम तो ट्रॉफी है, वो तो जीतेंगे जीतेंगे, धनंजय भैया भी जीतेंगे, उनके नाम पे भी ट्रॉफी है। मुझे लगा था मेरे पति देव भी एक ट्रॉफी लेके आ जाएंगे, लेकिन हाँ एक साल से हम लोग इधर है नहीं सोसाइटी में, तो एक प्रैक्टिस का भी होता है, तो इनकी प्रैक्टिस भी छूट गई है। तो फिलहाल होता है ना, तो प्रैक्टिस किसी चीज की छूट जाती है, प्रैक्टिस में कोई चीज नहीं रहती है, तो बहुत जल्दी थकान लगाती है, तो वो चीज़ तो हम समझ सकते हैं। तो फिलहाल कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा रहता है, वो तो बात की बात है, बस खेलना जरूरी है, खेलना जरूरी है, एंजॉय करना जरूरी है। तो फिलहाल जब लोग अपनी सोसाइटी पे पहुँचते हैं, तो मुझे लग रहा है मैं घर पे जाके क्या करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर पे जाके एक घंटे के लिए सो जाना चाहिए सो जाना चाहिए। शाम को फिर जाएंगे नीचे, थोड़ा टहलेंगे, सबसे मिलेंगे, और आज सोना नहीं तो फिर क्या करेंगे, नीचे बैठ के तुम्हारा क्रिकेट देखें। पहले तो मेरे मन में लालच था कि तुम जीतोगे, तो चलो इसी लालच में हम बैठ के देखते, कह रहे एक ट्रॉफी आएगी, एक ट्रॉफी हमको भी मिलेगी, लेकिन अब तो लालच भी चला गया। हाँ हम जा रहे हैं थोड़ा सा अश्विनी भाभी के पास बैठेंगे, उनसे अश्विनी भाभी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो भाई कागज के जो डब्बे लिफाफे नहीं रखे अपने पास, ये जो बैग टाइप के रखे हैं, एक बैग कोई
हाँ सो गाइस, तो फिलहाल मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से जाके क्या करने वाली हूँ। तो चौहान साहब कह रहे हैं सोना नहीं, तो बिल्कुल नहीं सोएंगे। अब हम जा रहे हैं मेरे घर के पास में ही सब्जी मंडी। तो फिलहाल लास्ट टाइम अपने घर के पास वाली सब्जी मंडी के चक्कर में फिर से काट लेती हूँ कि सब्जी मंडी में बढ़िया ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ रहती थी और हमारे घर के पास में ही सब्जी मंडी थी, तो मैं वहाँ से ताज़ी सब्जियाँ लाती थी। तो फिलहाल चलते हैं आज। आजकल तो फिलहाल मैं घर पर तो खाना नहीं बना रही हूँ कि 3-4 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो राशन वगैरह तो कुछ है नहीं। अब घर पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी खरीद के लिए जाएंगे तो वो भी बच ही जाएंगी। और फिलहाल हमारे पास क्या, मेरे पास मतलब खाना बनाने का टाइम भी नहीं है कि मैं घर पे खाना बनाऊं और खाऊं। तो डेली हम लोग चाय नाश्ता खाना सब लोग बाहर ही कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में जो है ना चाय है, नाश्ता है, मैगी, ये सब मैं घर पे बना लेती हूँ। तो फिलहाल जा रहे हैं सब्जी मंडी, वहाँ टहलेंगे और देखेंगे कि मेरे क्या काम की चीज़ें हैं, तो उनको खरीद भी लेंगे और सब्जी मंडी का थोड़ा सा क्या बोलते हैं मुआयना भी कर लेंगे कि कुछ बताओ आया है क्या यहाँ पे। तो फिलहाल चलो मैं तो जाती हूँ सब्जी मंडी, मैं इधर मोड़ पे उतर जाऊंगी और ये गाड़ी लेके घर निकल जाएंगे। सो गाइस, तो फाइनली मैं सब्जी मंडी होकर आ गई हूँ। और सब्जी मंडी आज संडे था ना, तो सब्जी मंडी में बिल्कुल मंडी की तरह ही भीड़ थी, बहुत बम्पर वाली भीड़ थी, जैसे लग रहा था कि ट्यूसडे की मार्केट लगी हुई है। तो फिलहाल मैं अपने गजब वड़ा पाव के लिए सब्जी मंडी से कुछ खरीद कर लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ से खरीद कर लेकर आई हूँ ढेर सारे करी पत्ते। तो फिलहाल कानपुर में करी पत्ता बहुत मुश्किल से मिलता है और मुझे अपने वड़ा पाव के लिए करी पत्ता चाहिए ही चाहिए होता है। तो आप देख सकते हो ये करी पत्ता, कितना सारा करी पत्ता है। ये मैंने यहाँ से 20 रुपए का खरीदा है। तो इसकी मैं भी, आप सोच रहे हो ना कि ये सारा हरा हरा ये पत्ता है, ये सारा मैं क्या करूँगी और मैंने क्यों लिया है इतना सारा। तो फिलहाल इस पत्ते को मैं लेकर जाऊंगी कानपुर। तो आप सोच रहे हो तभी तो 2-3 दिन में तो ये ख़राब हो जाएगा, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैंने ये पत्ता लिया है और इसकी मैं जो है ना पत्तियां निकाल दूंगी, और पत्तियां निकाल कर अभी आज और कल का टाइम है, तो कल और मतलब पूरा टाइम है 2 दिन का। तो ये पत्तियाँ मैं निकाल कर बड़े से बर्तन में फैला दूँगी, तो इसमें ये हवा में और धूप में अच्छे से सूख जाएंगी। तो फिर ये मैं सूखी हुई पत्तियों को रख लूँगी और वहाँ ये मेरे शॉप पर बहुत काम करेंगी। वड़ा पाव में तो सारा कमाल ही करी पत्ते का होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो ढेर सारा करी पत्ता मैं लेकर आई हूँ अपने वड़ा पाव के लिए। हाँ, यहाँ पे सब्जी मंडी में ना एप्पल बहुत अच्छा मिल रहा था, अभी 100 रुपीज़ केजी। तो मैं 1 किलो जो है 1 केजी एप्पल भी लेकर आई हूँ चौहान साहब के लिए, और क्योंकि वो खाना तो आजकल ठीक से खा नहीं रहे क्रिकेट के चक्कर में, मैंने सोचा फ्रूट्स ही ले लेती हूँ, कम से कम फ्रूट्स ही खा लेंगे। तो फिलहाल चलो फटाफट अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन करी पत्ते के जो पत्ते हैं निकाल कर इनको जो है ना हवा में फैला देती हूँ। मंडी से आने के बाद चौहान साहब क्रिकेट खेलकर आ गए थे, और उसके बाद फिर ये रात में हम लोग रितेश भैया और गौरी भाभी के घर आए थे उनसे मिलने के लिए और डिनर पे। तो आंधी तूफान बहुत जोरों का चल रहा था और भैया के घर पे आज हमारा डिनर भी था और यहाँ पे लाइट जा चुकी थी आंधी और तूफान की वजह से, तो अंधेरे में ही हम भैया के घर पे जा रहे थे। तो दोस्तों बस यहाँ पे अभी अंधेरा हो रखा है, अब भैया और भाभी से मिलेंगे जाके और बढ़िया सा डिनर करेंगे, बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल के कॉर्नर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।